कैबिनेट की अहम बैठक सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 12 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। जोशीमठ आपदा पर बैठक में कई बड़े फैसले और अहम फैसले लिए जाएंगे। प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 12 बजे सचिवालय में बैठक होगी। जोशीमठ आपदा को लेकर ये बैठक दरअसल बुलाई गई है और इसी को लेकर चर्चा होगी और कई बड़े फैसले और अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस आपदा से जुड़े हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल लगातार प्रभावितों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए ये कोशिश है और उनके पुनर्वास को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कई मकान चिन्हित किए गए हैं जिनको तोड़े जाने की कार्रवाई होनी है। ऐसे में जो परिवार जिनके मकान टूटेंगे उनके पुनर्वास को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जाए, इस सब को लेकर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि जो सभी प्रभावित हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए और इसके साथ ही साथ जोशीमठ आपदा को लेकर ये एक बैठक, अहम बैठक जो बुलाई गई है। खुद पीएमओ की ओर से भी पूरे मामले पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन जोशीमठ का दर्द है, लोगों का दर्द है, क्योंकि एक जीवन भर की पूंजी है उनकी जिसके ऊपर संकट है, घर उनके टूटने वाले हैं और ऐसे में अभी जाहिर तौर पर सबकी नजरें सरकार की तरफ है। हमारे साथ इस समय राव शफत अली हमारे साथ ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव, इस समय क्योंकि बैठक बुलाई गई है 12 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्या इस पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में? देखिए, खास कैबिनेट बैठक है और क्योंकि इमरजेंसी में बैठक बुलाई गई थी कैबिनेट की, और जाहिर सी बात है कि जोशीमठ इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार के पास, और क्योंकि वहां विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो, पहले उनको मुआवजा दिया जाए उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए, तो इसको लेकर के खास बैठक है कि कैसे राहत पैकेज होगा, किस तरह का राहत पैकेज होगा, किस तरह का असेसमेंट होगा। हालांकि जो सीबीआरआई है वो असेसमेंट कर रही है और टीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी उसके साथ लगाए गए हैं, तो असेसमेंट के बाद ही राहत पैकेज जो होगा वो असेसमेंट के बाद ही निकल जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार वहां के लोगों को क्या आश्वासन देगी और क्या बाजारी मूल्य से वहां के रेट दिए जाएंगे या बाजार मूल्य से ज्यादा रेट दिए जाएंगे, इसको लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं जोशीमठ से जुड़े हुए। शफात, क्योंकि इससे पहले भी देखिए सरकार की ओर से जो राहत का ऐलान किया गया था, जो वहां पर अगर परिवार थे या जिनके घर टूटने वाले हैं सबके लिए जो राहत का ऐलान किया गया था उससे लोग खुश नहीं थे, उसका विरोध हुआ और उसके बाद में सरकार को फिर से इस पर फैसला लेना पड़ रहा है, फिर से विचार करना पड़ रहा है। तो क्या इस बार सरकार, यानी कि जो राहत है, एक अच्छी राहत लोगों के लिए जो राहत वाकई में हो वो पहुंचाने की कोशिश रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी प्राथमिक तौर पर तो 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे और लोगों को शिफ्ट होना था, उनको शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए राहत आपदा कोष से दिए जा रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक के बाद इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। ये अंतरिम राशि है जबकि अंतिम राशि नहीं है, अंतिम राशि का निर्णय कैबिनेट की बैठक के बाद ही होगा और वो निर्णय इस तरह से होगा कि जो लोग वहां बाजारी मूल्य की मांग कर रहे हैं या फिर बाजार से ज्यादा मूल्य की मांग कर रहे हैं उसको लेकर के सुझाव लिए जाएंगे और सुझाव के बाद कोई फैसला होगा। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कैबिनेट के बाद तुरंत फैसला हो जाए, कैबिनेट में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, इसी पर चर्चा रहेगी कैबिनेट में, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज सबसे जो बड़े मुद्दे हैं वो जोशीमठ को लेकर के आने वाले हैं। दूसरा, कहाँ विस्थापन किया जाएगा, कौन सी वो जगह होगी जो सेफ जोन होगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको आसपास विस्थापित किया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि न्यू टिहरी के आसपास विस्थापित किया जाए, तो राज्य सरकार के लिए ये भी मुश्किल है। तो राज्य सरकार आज तय कर सकती है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ विस्थापन के लिए संभावनाएं तलाशी जा सकती है, तो बहुत सारे सुझाव आज कैबिनेट की बैठक में आएंगे। दूसरा, आपने भी कहा कि राहत पैकेज में बढ़ोतरी हो सकती है, जो अंतरिम पैकेज है उसको भी बढ़ाया जा सकता है ताकि विरोध ना हो, और क्योंकि सुविधा अभी बहुत ज्यादा उन इलाकों में, हालांकि देखिए राज्य स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जहां कैंप बनाए गए हैं वहां कोई परेशानी ना हो, लेकिन तस्वीरें भी सामने आ रही है, लोग परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो राशन भी अगर दिया जा रहा है तो राशन के नाम पर भी लग रहा है कि मजाक एक तरह से, क्योंकि एक महीने का राशन कहकर जो राशन उन्हें बांटा गया जाहिर तौर पर लोग उससे संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से देखिए सबकी निगाहें इस समय सरकार के ऊपर है, सबकी आस इस समय सरकार से है कि सरकार उनकी मदद करेगी और उनके लिए फिर से पुनर्वास में जरूर सरकार की ओर से मदद की जाएगी, तो ये जरूर उम्मीद इस समय है शफात सरकार से। देखिए हंसिका, राशन कोई इशू नहीं है इस वक्त, वहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें राशन की आवश्यकता नहीं है, राशन उनके पास भरपूर है, वो चाहते हैं कि पुनर्वास की तरीके से, पुनर्वास में कोई कोताही ना हो,
मतलब उनको जो वन टाइम सेटलमेंट है उस पर विचार करे राज्य सरकार। हालांकि जो किट दी गई है, देखिए वो किट वाकई में बिल्कुल उसमें थोड़े से चावल है, आटा, तेल, इस तरह से कुछ सामान जरूर रखा गया है, लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अभी सरकार को जो हमारे मकान टूटेंगे, जहां मकान हम छोड़ रहे हैं दूसरी जगह पे कहाँ शिफ्ट करना है, राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि हम कहाँ शिफ्ट होंगे और कितना हमें मुआवजा दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के आज की कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तमाम कैबिनेट के मंत्री उसमें शामिल होंगे। कम से कम 15 जो बिंदु है उसमें रखे जाएंगे और इससे अलग भी कैबिनेट की बैठक में कुछ और बिंदु भी आ सकते हैं। बिल्कुल, नकल रोकने के लिए 12 बजे का समय है इस बैठक का और नजर इस बैठक के ऊपर बनी रहेगी। शफादा बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक होनी है जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे।